गुड मॉर्निंग जसवीर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सांडवा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारा 12वीं की हिस्ट्री में जो पहला लेसन चल रहा था उसमें हमने भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों में स्रोत को कंप्लीट कर लिया था। कल आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। ये टॉपिक ऐसा है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी कंपटीशन का, आरएस लेवल का या आईएएस लेवल का, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है निश्चित रूप से। 12वीं के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि 12वीं में लगा हुआ है टॉपिक। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, पहले समझें सभ्यता किसे कहेंगे। सभ्यता किसी विशिष्ट संस्कृति में जब लिपि व नगरों का विकास होता है, लिपि व नगरों का विकास होता है, तो वो जो अवस्था होती है वो सभ्यता कहलाती है। संस्कृति जो होती है वो सभ्यता का ही अंग होती है। संस्कृति का मतलब हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, वो उनको हम संस्कृति में शामिल करते हैं, ये सभ्यता हो गया। विश्व की कोई भी सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो भारत की सभ्यता हो, या हम कह सकते हैं चीन की सभ्यता हो। मिस्र की सभ्यता दजला फरात नदियों के किनारे विकसित हुई, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे। भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु व सरस्वती नदी की सहायक नदियां हैं उनके किनारे विकसित हुई, और चीन की सभ्यता हांग हो नदी के किनारे विकसित हुई। मेरा आपको ये बताने का मतलब ये है कि विश्व की प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं हैं वो किसी ना किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि नदियों में एक तो सिंचाई के पर्याप्त साधन होते हैं, और हम जानते हैं कि उपजाऊ मृदा नदियों के जो किनारे होती है वो उपजाऊ मृदा होती है। बांगर खादर दो तरह की मृदा होती है, आप ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो जो उपजाऊ मृदा होती है वो नदियों के किनारे होती है, ठीक है, सिंचाई की सुविधा रहती है, और परिवहन के रूप में भी हम जल मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। जब मृदा उपजाऊ होगी तो उत्पादन निश्चित रूप से अधिक होगा। तो इन सब कारणों की वजह से विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनका विकास नदियों के किनारे हुआ। बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हम इसमें थोड़ा सा देखते हैं इसकी भूमिका। जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, भारतीय इतिहास को वैदिक काल से प्रारंभ माना जाता था, लेकिन जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई तो पूरे विश्व ने जाना कि भारतीय संस्कृति या भारतीय इतिहास कितना प्राचीन है, ठीक है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें थोड़ा सा देखें भूमिका में। पहले तो आपको ये देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने आपको जब पहले दिन क्लास ली थी तब मैंने कहा था साक्ष्य के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा जा सकता है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल था जिस काल के हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल उसके हमें पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, और आद्य ऐतिहासिक काल वो काल था जिसमें लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिले हैं, लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है, और ऐतिहासिक काल में दोनों को पढ़ लिया गया है, दोनों के बारे में जान लिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को शामिल किया जाता है आद्य ऐतिहासिक काल में। ये इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है, तो वो आद्य ऐतिहासिक काल की है, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि तो है लेकिन लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया, लिपि आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा, अब इसकी हम खोज पर चलते हैं कि किस तरह से इसका सबसे पहले किसने पता लगाया, तो घटना है 1826 की, 1826 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी की में का नौकरी छोड़ चुका एक अधिकारी जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले हड़प्पा के टीले के बारे में बताया। 1842 में एक लेख प्रकाशित किया, नैरेटिव ऑफ जर्नीज, इसमें चार्ल्स मेसन ने यह कहा कि हड़प्पा संभवतः वो स्थान हो सकता है जिस स्थान पर 325 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है। दूसरा, चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा को भारत का सबसे प्राचीन नगर बताया। एक हम आगे देखें तो 1853 से 56 के बीच में
लाहौर कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का काम चल रहा था। तो उस समय जब वहाँ रेलवे लाइन डाली जा रही थी, तो आपको पता है कि रेलवे लाइन के बीच में जो है सपोर्ट के लिए पत्थरों को डाला जाता है, ठीक है। तो कुछ सपोर्ट के लिए जब पत्थर वगैरह कम हो गए, तो उस वक्त दो भाई थे, विलियम बर्टन व जॉन बर्टन। इन्हें बर्टन बंधु कहा जाता है। इन दोनों भाइयों ने पास में जो हड़प्पा का टीला था वहाँ से उसको खोदा, तो वहाँ से जो ईंटें थी उन ईंटों का प्रयोग इस रेलवे लाइन को डालने में कर लिया, जो कराची से लाहौर के मध्य डाली जा रही थी। अलेक्जेंडर कनिंगम को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन उस वक्त इस पर कोई किसी ने गौर नहीं किया। फिर आगे देखें, 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। भारतीय पुरातत्व विभाग, जिसका मुखिया या महानिदेशक कह सकते हैं, बनाया गया अलेक्जेंडर कनिंगम को। में अलेक्जेंडर कनिंगम ने दोबारा पुनः सर्वेक्षण किया, हड़प्पा का पुनः सर्वेक्षण किया, और इस बार उनके हाथ कुछ मृदभान, कुछ औजार और एक वृषभ की जो मोहर होती है उस पर, सील पर वृषभ की आकृति, उस तरह की सील हाथ लगी। और लेकिन उस वक्त भी उन्होंने गौर नहीं किया, और वृषभ को उन्होंने कह दिया कि ये तो विदेशी है, कुबड़ ना होने के कारण उसको बता दिया कि ये विदेशी है, भारतीय नहीं है। तो इस तरह 1872 में एक बार पुनः भारत की इतनी प्राचीन सभ्यता की खोज होते होते बच गई। और अगर उस वक्त खोज जाती तो भारतीय इतिहास का स्वरूप कुछ और ही अलग होता, हम बहुत पहले से विश्व ये जान जाता कि भारतीय संस्कृति या भारतीय इतिहास कितना प्राचीन है, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी है। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। एक बार दोबारा इसको देखें थोड़ा सा, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में है, तो आदि ऐतिहासिक काल में। सबसे पहले किसने बताया, चार्ल्स मैसन ने बताया। विलियम बर्टन और जॉर्ज बर्टन ने भी जब रेलवे लाइन का काम चल रहा था तो वहाँ से ईंटें उन्होंने ली। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, अलेक्जेंडर कनिंगम को उसका महानिदेशक बनाया गया। अगर आपसे ये पूछे कि भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंगम है। कनिंगम ने दोबारा 1872 में सर्वेक्षण किया, लेकिन उसने इस महान सभ्यता की ओर उस वक्त भी वो गौर नहीं कर पाया। आगे देखते हैं कि 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। अगर आपसे पूछे कि उस वक्त भारत का पुरातत्व विभाग का, क्योंकि उस वक्त इसका नाम 1902 में करजन ने इस पुरातत्व विभाग का नाम भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग कर दिया था, तो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का उस वक्त महानिदेशक कौन थे, तो जॉन मार्शल थे। आगे देखते हैं इसे, देखें जब इस सभ्यता की खोज कर दी गई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, तो इसका दो बार उत्खनन करवाया गया। हड़प्पा का जो उत्खनन है, हड़प्पा का उत्खनन कितनी बार हुआ, दो बार हुआ, 1926 में और 1946 में। 1926 में इसका उत्खनन माधो स्वरूप वत्स के द्वारा करवाया गया, माधो स्वरूप वत्स के द्वारा, और 1946 में इसका उत्खनन मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। तो ये उत्खनन करता है और ये खोज करता है। 1924 में जॉन मार्शल ने इसको सिंधु सभ्यता नाम दिया, सिंधु सभ्यता नाम इसको 1924 में जॉन मार्शल ने दिया। 1931 में एक जर्नल प्रकाशित हुआ था, लंदन वीकली, उसमें इसको सिंधु सभ्यता कहकर संबोधित किया गया, लंदन वीकली में।
इसके अलावा सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको डॉक्टर रफीक मुगल ने सिंधु घाटी की सभ्यता कहकर संबोधित किया, तो इसका खोज का होगा, ये हमारी भूमिका हो गई कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, सर्वप्रथम उस टीले पर कौन पहुंचा, किसने इसके बारे में सबसे पहले बताया। बताना और खोज करना दोनों अलग अलग चीज़ है। बताया चार्ल्स मैसन ने, खोज करता इसका हम कहेंगे दयाराम साहनी को। अब सबसे पहले हम इस सभ्यता के उपनामों के बारे में देखते हैं कि किस सभ्यता को किस किस उपनाम से पुकारा जाता है। देखें किस किस उपनाम से इसको पुकारा जाता है वो देखें। तो इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता उपनाम, या हम कहते हैं इसके और क्या क्या नाम है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति, या आजकल एक नाम और चलता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। देखें क्योंकि इसका खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहकर संबोधित किया गया। बाद में देखा गया कि जो स्थल प्रारंभ में खोजे जा रहे थे, प्रारंभिक स्थल, वो सिंधु नदी के किनारे हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया। इस सभ्यता के लोगों ने जिस धातु का प्रयोग में लिया, टिन और तांबे से बनी हुई धातु कांसा, उसका प्रयोग में लिया, तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता। गार्डन चाइल्ड ने प्रथम नगरीय क्रांति, गार्डन चाइल्ड ने प्रथम नगरीय क्रांति कहकर संबोधित किया। और बाद में जब उसका और उत्खनन किया गया, तो यह देखा गया कि सिंधु के साथ साथ सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के किनारे भी इसके स्थल पाए गए हैं, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। तो यह ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति और सिंधु घाटी सिंधु सरस्वती सभ्यता। नगरीय क्रांति इसलिए क्योंकि एकदम आमूलचूल परिवर्तन हुआ, नगर की तरफ हम बढ़ने लगे, तो उसको हम क्या कह दिया, प्रथम नगरीय क्रांति। चले आगे, अब देखें हम इस सभ्यता का कालक्रम कि विभिन्न विद्वानों ने इसका समय क्या क्या बताया है। देखें कालक्रम की बात करें तो देखते हैं इसमें, फादर हेरास इन्होंने नक्षत्र गणना के आधार पर इस सभ्यता का समय लगभग 2600 ईसा पूर्व बताया। नक्षत्र गणना के आधार पर 2600 ईसा, 6000 ईसा पूर्व कह सकते हैं, 2600 ईसा, 5600 ईसा पूर्व, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें 1931 में काल निर्धारण का काम किया सबसे पहले जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो का 7 बार उत्खनन किया, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने जो काल निर्धारण किया वो बताया उन्होंने 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। अर्नेस्ट मैके ने इस सभ्यता का समय 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व बताया। मार्टिमर व्हीलर ने इस सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व बताया। फेयर सर्विस ने इसका समय 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व बताया। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन 14 जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की पद्धति को कार्बन 14 कहा जाता है। किसी भी जीवाश्म की अगर हम कितना पुराना है वो आयु ज्ञात करते हैं, जो वो जिस पद्धति से ज्ञात करते हैं वो है सी 14। एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे विलियम एफ लिबी, वो इसके सी 14 के आविष्कारक हैं।
तो इस कार्बन 14 ने जो समय बताया वो इंपॉर्टेंट है। कार्बन 14 के अकॉर्डिंग इस सभ्यता का समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। डीपी अग्रवाल ने भी कार्बन 14 के आधार पर लगभग ऐसा ही समय बताया है, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसके अलावा हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट और है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका जो समय हम देखें तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व इसका समय है। आपको सारा समय याद नहीं रखना, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो देखें। कार्बन 14 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सीधा सीधा समय पूछा लिया जाए तो सीधा सीधा हम लिखेंगे कार्बन 14। दूसरा इंपॉर्टेंट हम ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2600 से 1900 ईसा पूर्व सभ्यता का समय है। तो देखें कालक्रम में हमने ये हम इसका कालक्रम हो गया इस सभ्यता का कि फादर हेरास ने कितना बताया, जॉन मार्शल ने कितना है, मैकिन सब ने अलग अलग बताया और भी हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कार्बन 14 और एनसीईआरटी दो हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इस सभ्यता का विस्तार। तो यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता कह सकते हैं, मेसोपोटामिया, इन दोनों सभ्यताओं से लगभग 12 गुना बड़ी थी। देख सकते हैं कितनी बड़ी सभ्यता थी। ठीक है, और अगर अकेले मिस्र की बात करें तो इस मिस्र से तो यह है मिस्र की या नील नदी घाटी की सभ्यता जो है उससे 20 गुना अधिक बड़ी सभ्यता थी। अब इसका विस्तार कहां का था, तो यह ध्यान रखना है कि इसका विस्तार तीन देशों में है। सभ्यता का विस्तार तो देखिए यह तीन देशों में है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। लगभग 1500 के करीब इसके स्थल खोजे जा चुके हैं, लेकिन यहां पर हमें अफगानिस्तान वाले दोनों स्थल याद रखने हैं क्योंकि यहां दो ही स्थान हैं, दो ही स्थल हैं और वो आपको याद रखने हैं, शोरतघई और दूसरा है मुंडी गाक। ये दो स्थल हैं। पाकिस्तान में लगभग इसके 481 या 484 के करीब स्थल खोजे जा चुके हैं क्योंकि अभी जो 12वीं की बुक चल रही है उसमें ये लगभग 481 बता रखा है आपके बुक में, लगभग 484 संख्या है इनकी। तो पाकिस्तान में भी देखें कहां कहां है वो देखना है हमें। तो पाकिस्तान में जो स्थल है उनको मुख्यतः तीन भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो दक्षिणी बलूचिस्तान प्रांत में जो स्थल है वो, फिर सिंध प्रांत में जो स्थल है वो, और उसके बाद में पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान वाले पंजाब प्रांत की बात चल रही है, पंजाब प्रांत में जो स्थल है वो। भारत में इसके लगभग 925 और आपकी किताब के अकॉर्डिंग कहें तो लगभग 917 स्थलों की खोज की जा चुकी है, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। इस तरह हम वो पढ़ेंगे विस्तार से जो मुख्य मुख्य हमारे स्थल हैं। तो ये इस सभ्यता का विस्तार हो गया कि तीन देशों में फैली हुई सभ्यता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, आगे देखते हैं इसका उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर ये किस तरह से था वो और थोड़ा देखें हम। देखें इस सभ्यता का हम अगर सबसे उत्तरतम स्थल देखें तो वो मांडा, अभी हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में, अखनूर जम्मू कश्मीर में, और नदी की बात करें तो चिनाब। किस नदी के किनारे था ये स्थल? चिनाब नदी के किनारे। इसका सबसे दक्षिणतम स्थल देखें हम तो दैमाबाद, और ये स्थल है महाराष्ट्र में, और हमसे नदी पूछी जाएगी तो गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा, ये गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा। उस नदी के किनारे सबसे पूर्वी स्थल देखें
तो आलमगीरपुर ये इसका सबसे पूर्वी स्थल है। और नदी की बात करें तो हिंडन नदी, ये स्थल मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अगर हम इसके सबसे पश्चिमी स्थल की बात करें तो सुत कांगेडोर, ये स्थल बलूचिस्तान, कहां पर है? बलूचिस्तान में है, पश्चिमी स्थल है। और किस नदी के किनारे है? तो नदी का नाम है दाश्क नदी। ठीक है, ये सभ्यता जो है उस समय, जब इसकी पीछे तक बात करें हम, तो ये फैली, जो इसका आकार था वो था त्रिभुजाकार। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े तो इस अब वर्तमान में स्थल और खोज लिए गए, तो इसका आकार लगभग विषम चतुर्भुजाकार इसका आकार हो गया है। लेकिन हमें एक बार अगर याद रखना, त्रिभुजाकार ही याद रखना एक बार, 1600 किलोमीटर इसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई थी और लगभग 1400 किलोमीटर इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई थी। उस समय प्रारंभ में, अब पीछे तक जब इसकी खोज कर चल रही थी, रागे चल रहे थे, तो लगभग इसका क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। आगे जाकर अभी वर्तमान में हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुका है। क्षेत्रफल कितना हो चुका है? 20 लाख। तो देखें उत्तरतम, ये उत्तरी छोर है इसका। अगर उत्तरतम स्थल की बात करें तो यहाँ पर अफगानिस्तान में शोर्तगोई और मुंडिकाक भी है। ठीक है, मुंडिकाक है तो मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांगेडोर। त्रिभुजाकार था आकार उस वक्त। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, किस किस दिशा में है। उस तरह एक एक स्थल को, अपने इंपॉर्टेंट जो स्थल है उनको आगे पढ़ेंगे आराम से, लेकिन एक बार ये चल रहे हैं। अब इसकी हम बात करते हैं लिपि की। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि देखें, 12वीं में एक क्वेश्चन किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को रहस्यात्मक लिपि क्यों कहा जाता है। तो रहस्यात्मक लिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब तक इस लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त हुई है कि लिपि क्या थी, क्या उसमें लिखा है। केवल अंदाजा लगाया गया है, लेकिन किसी भी तरह से इसको पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त हुई है। और जिसके बारे में हम जान नहीं सकते तो वो अपने आप में रहस्य होता है। ठीक है, दूसरा, इस लिपि को आप ये समझें कि ये लिपि दाई ओर से शुरू हुई है और बाई ओर तक गई है। अब देखें दाएं से बाएं का अंदाजा कैसे लगा। तो हम जब भी कॉपी में अक्सर लिखते हैं तो ये देखते हैं कि दाई ओर जब हम स्टार्ट करते हैं लिखना तो थोड़ा अक्सर बड़े होते हैं, लेकिन लास्ट में जाते जाते हम अक्षरों को छोटा कर देते हैं, जैसे कि लिखते लिखते स्थान कम पड़ गया हो। तो वही बात है कि यहां से इसके अक्षर बड़े हैं और उसके बाद में अक्षर छोटे होते गए। तो कहने का मतलब है कि ये लिपि किस तरह से, किस तरफ लिखी गई है, तो ये आ जाएगा दाई से बाई ओर। एक चीज ये देखो, ये गौमूत्र की तरह है, तो इसको, इस लिपि को गौमूत्रिका लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि में, जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, उसमें सिंधु वासियों ने अपने भावों को, अपने विचारों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया है। तो चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने की वजह से इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि, या हम कह सकते हैं पिक्टोग्राफ, ये भी कहा जाता है। या हम आगे देखें, सर्प की तरह होने के कारण लिपि क्या कहलाएगी? सर्पिलाकार लिपि। इसके अलावा जो इसको नाम दिया जाता है बुस्त्रोफेदन, ये इस लिपि को नाम दिया गया है, ये भी कहा जाता है। तो ये इसके नाम हो गए। इस लिपि में मूल चिन्ह, अगर हम बात करें कि मूल चिन्ह कितने हैं, तो मूल चिन्ह की संख्या 64 है। कुल अगर चित्राक्षर की बात करें तो कुल चित्राक्षरों की संख्या 250 से लेके 400 तक है। और अगर हम देखें सर्वाधिक किस चिन्ह का प्रयोग किया गया, तो यू आकार के चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। और चित्राक्षर की बात करें तो मछली का चित्र जो है वो सर्वाधिक प्रयोग में लिया गया है। वेडन महोदय ने इसको पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किया था, लेकिन वेडन महोदय इसको पढ़ने में सफल नहीं हो पाए। ठीक है,
तो ये है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। आपसे पूछे किस ओर है, दाईं से बाईं और फिर बाईं से दाईं, और इस तरह है। गौमूत्रिका भी कहा जाता है, भावचित्रात्मक या पिक्टोग्राफ भी कहा जाता है, सर्पिलाकार आकार की है, बुस्तफुदन भी फेदन भी कहा जाता है इसको। मूल चिन्ह कितने हैं तो 64 हैं, चित्राक्षर कितने हैं तो लगभग 250 से 400 के बीच में है। यू आकार के चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, इसके अलावा मछली के चित्र का प्रयोग अधिकतर हुआ है। वेडन महोदय ने इसको सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया था लेकिन ये असफल रहे थे और अभी तक इसको पढ़ा भी नहीं गया। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल इससे आगे चलेंगे। आप धीरे धीरे इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करें। हम इसको पढ़ते नहीं हैं कि ऐसा लगता है कि बोर करता है, लेकिन ये टॉपिक आपका हर एग्ज़ाम में, 12वीं की दृष्टि से नहीं, हर एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको पढ़ें, अपने कॉपी में नोट्स बनाएं, और नहीं समझ में आता है तो हम दोबारा इसको कराएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तैयारी करें, ठीक है ना। सभी को धन्यवाद।